जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा है, पूनम की रात है, भीनी भीनी सी ठंड महारास की रात है, जब धवल कुमुद फैलेगी चारों ओर। कुमुद क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी को कहते हैं। तो जब धवल कुमुद यानी सफ़ेद रोशनी फैलेगी चारों ओर, तो होगी अद्भुत रात और होगा महालक्ष्मी माँ का जन्म का दिन। इस रात में जो भी मनोकामना करेंगे वो करके देखिए। सात्विक मनोकामना होगी तो अवश्य माता लक्ष्मी इसे पूर्ण करेंगी। में माँ के प्राकट्य दिवस पर कहा जाता है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर समस्त दुनिया का भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि कौन रात भर जागकर उनकी भक्ति कर रहा है, उसके घर धन की वर्षा करती हैं। अश्विन माह के पूनम की रात है, जिसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा कहा जाता है। और इस रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण रहता है। इसकी छटा देखने तो स्वर्ग से भी देवी देवता इस दिन पृथ्वी पर आते हैं। और इस बार ये खास दिन 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, शरद पूर्णिमा है और 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू हो रही है और अगले दिन सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर पूर्ण होगी। और इस साल 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाली शरद पूर्णिमा पर गुरु अपनी राशि यानी मीन में रहते हुए चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं, जो कि गज केसरी नाम का शुभ योग बन रहा है। ऐसा शुभ योग 1200 सालों के बाद बन रहा है, जब गज केसरी योग के साथ साथ बुध आदित्य योग भी बन रहा है। यानी बुध ग्रह अपनी ही राशि में रहते हुए सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा पर सिर्फ ये दो योग नहीं बन रहे हैं, इसके साथ साथ शनि भी अपनी स्व राशि में रहने वाले हैं। शश योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है, स्थिर योग बन रहा है। और वर्षों के बाद, स्पेशली 1200 सालों के बाद शरद पूर्णिमा पर इस तरह के ग्रहों का संयोग बना है। तो इस दिन क्या करना है आपको? कोई भी शुभ काम जो आपका पेंडिंग है, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद का काम करना चाहते हैं, कर लीजिए दोस्तों। इस दिन किसी की सगाई करनी है, किसी का रिलेशन में आना है, कोई भी किसी एग्जाम्स की तैयारी, फॉर्म भरना है, हर तरह के काम आप इस दिन कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त बन रहा है। और शरद की निशित व्यापनी पूर्णिमा को महालक्ष्मी पूजन होता है और कहते हैं कि इस दिन ऐरावत हाथी पर आसीन देवराज इंद्र की पूजा करनी चाहिए, इससे भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था, और इसलिए इस दिन आपको, जो लोग भी गोपी गीत जानते हैं, गोपी गीत इस दिन सुनना चाहिए, गोपी गीत इस दिन गाना चाहिए। और मध्य रात्रि में महालक्ष्मी हाथ में वर लेकर पृथ्वी पर विचर कर भक्तों को धन वैभव प्रदान करती है और देखती है कौन जाग करके उनकी भक्ति कर रहा है। तो इस रात्रि में आपको पूजन करके माता लक्ष्मी का जागरण करना चाहिए। और रात्रि में लक्ष्मी हुए, इंद्र हुए, चंद्रमा हुए, कुबेर हुए, और चंद्रमा को कौन धारण करता है? शिवजी। तो शिवजी भोलेनाथ का आपको पूजन और ध्यान करना चाहिए। पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी के मंदिर में प्रभु के हाथों में मुरली शोभायमान होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा है, इस दिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, नीच हो या फिर पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, या कोई भी मनुष्य है जिसका काम में मन नहीं लगता, नौकरी व्यापार में टिक नहीं पाते, एक जगह नौकरी पकड़ा निकल गए, दूसरी जगह पकड़ा निकल गए, एक बिजनेस स्टार्ट किया ख़त्म, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है, गुस्सा अधिक हो रहा है, और माँ के साथ एंटी पार्टी है, मतलब मम्मी और बच्चे में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सभी चंद्रमा के दोष का कारक होता है। तो ऐसे में दोष दूर करने के लिए आपको शरद पूर्णिमा की रात को छोटे छोटे उपाय, मैंने लास्ट एक और वीडियो में बताए हैं, वो भी सुने आप, और इसमें भी बता रही हूँ आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और रात्रि में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, पॉसिबल है तो, और नहीं भी हो तो सिर्फ शुद्ध जल से आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। कच्चे दूध में आप चाहे तो थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं, सफ़ेद पुष्प है तो वो ले लीजिए, थोड़े चावल डाल सकते हैं। और ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का पाठ करते हुए आपको अर्घ देना चाहिए।
और अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को दीपक दिखा करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए, वहीं खड़े होकर के और प्रणाम करना चाहिए। दधि शंख तुषाराभम चिरोदार्णव संभवम ज्योत्स्नापतिम निशानाथम तम सोमम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप संस्कृत बोल सकते हैं तो अर्घ दीजिए, और नहीं तो इस समय आप चंद्र गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम अत्रि पुत्राय विद्महे सागर उद्भवाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। इस प्रकार से बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। और इस रात्रि में चंद्रमा अपनी विशेष किरणों से अमृत की वर्षा करता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खाने का बहुत महत्व है। तो खीर कैसे खाना चाहिए? चांदी के बर्तन में गाय के दूध से बना हुआ थोड़ा सा घी, थोड़ा अरवा चावल, ये डाल करके, थोड़ी केसर डाल करके खीर बनाइए, और चांदनी रात में आपको ये बाहर रखनी चाहिए खुले में। रात भर जब ये चंद्रमा की रोशनी इस खीर पे पड़ती है तो ये महा औषधि बन जाती है, और शाम के समय ही चंद्र उदय जब हो जाए इसके बाद में गाय का दूध, घी और अरवा चावल से थोड़ा केसर डाल सकते, इलायची डाल सकते, ये बनाकर डाल करके खीर तैयार कर लीजिए। और रात के दूसरे प्रहर में, तब तक आपकी खीर थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी, तब इसे चांदी के पात्र में डाल करके चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, और सुबह सुबह इसका सेवन कीजिए। देखिए 32 प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती है। दोस्तों, चंद्रमा के देवता शिवजी बताए गए हैं, इसलिए सुबह उठने के बाद आपको भोलेनाथ का दूध से अभिषेक भी करना चाहिए और सफ़ेद तिल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन अवश्य करें, हो सके तो चंद्र उदय के बाद मध्य रात्रि में, जब भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप अरेंज कीजिए। इससे स्थिर धन की प्राप्ति होती है। त्रिदेवी यानी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की चित्र हो तो चित्र, नहीं तो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप स्थापित कीजिए, और फिर मध्य रात्रि मुहूर्त में एक मिट्टी के कलश पर लाल चुनरी से ढकी हुई महालक्ष्मी माता की चित्र स्थापित कीजिए या मूर्ति स्थापित कीजिए। राधा कृष्ण हो तो राधा कृष्ण, इंद्र भगवान का चित्र, या एक सुपारी को इंद्र भगवान का भाव करके रख लीजिए, और कुबेर देवता का भी ऐसे ही करना है आपको, या तो आप कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं, कुबेर देवता का चित्र स्थापित कर सकते हैं, या एक सुपारी को कुबेर देवता का भाव करके आपको रखना चाहिए। श्रृंगार कीजिए, और गुड़हल के 6 फूल अगर आपको मिलते हैं, लाल रंग के जो गुड़हल के फूल होते हैं, उनको आपको ग्रीन धागे में पिरो लेना है और त्रिदेवी पर चढ़ाना है। लाल चंदन हो तो माँ को लाल चंदन चढ़ाइए, और या फिर आप पीला चंदन हो तो पीला चंदन में केसर डाल करके उसे घस लीजिए, और फिर पीला चंदन आप चढ़ा सकते हैं माँ को। अबीर चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए, चांदनी के फूल हो तो वो चढ़ाइए, और मावे की बर्फ़ी का या पेड़े का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए, या फिर खीर भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए। सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो कोई सफ़ेद चुन्नी हुई छोटी सी, या फिर आप कोई धागा कच्चा सूत हो वो लेकर के आप भाव करके चढ़ा सकते हैं। मिश्री, मलाई, ये सभी चीज़ें, मखाने की खीर, नवधान की खिचड़ी, दही के साथ इस दिन नवधान की खिचड़ी लगाई जाती है भोग, अंगूर का फलाहार चढ़ाया जाता है, नवधान यानी 9 प्रकार के अनाज का, और पान के पत्ते पर सिंदूर से 12 बार आपको एक शब्द लिखना है। क्या करना है? पान का पत्ता ले लीजिए, डंडी सहित हो पान का पत्ता, इस बात का ध्यान रखिए कहीं से पत्ता कटा फटा हुआ ना हो, और सिंदूर से, सिंदूर पे थोड़ा सा आप सिंदूर में पानी मिलाएंगे तो वो घुलेगा नहीं, इसलिए हमेशा जब भी सिंदूर को घोलना हो तो उसमें एक बूंद घी डालना चाहिए, सिर्फ एक बूंद, ज़्यादा नहीं, एक दो बूंद घी डालिए, नहीं तो पतला होके फैल जाता है, तो एक बूंद घी डालिए या फिर तेल डाल सकते हैं उसमें, और फिर सिंदूर से 12 बार आपको क्या लिखना है, बम, ब बे अंक की मात्रा, बम, ये लिख करके आपको पान का पत्ता देवी माँ पर चढ़ाना है। पालक हो तो इस रात्रि में आपको पालक चढ़ाना चाहिए, और फिर एक दिए में गाय का घी डाल करके कलावे की बाति, रुई की बाति नहीं, कलावे की बाति लेकर के आपको जलाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन 16 मुखी दीपक अगर आप जला सकते हैं, या 16 बाती का दीपक आप जला सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और गाय के घी में आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी या केसर डाल दीजिए, और इसके बाद आपको जलाना चाहिए। इस प्रकार से माँ की पूजा करें, चंदन की धूप करें, साबुत हल्दी की गांठ हो या थोड़ा गोटा धनिया हो, या आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार, सिंगी आदि है तो इस रात्रि में अवश्य रखना चाहिए, और उस पर एक चुटकी सिंदूर आपको चढ़ाना चाहिए, और वहाँ
बैठ करके आपके पास जो भी माला है, देखिए माता लक्ष्मी के जब सब लोग कंफ्यूज होते हैं किससे करना चाहिए, तो आपको बता दूं माता लक्ष्मी के जब हमेशा कमलगट्टे की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, तो कमलगट्टे की माला से कीजिए और उसके बाद स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। तो स्फटिक की माला तो बहुत महंगी आती है, हर कोई ना अफोर्ड कर सके, तो आपको हमेशा 1.25 लाख जब से सिद्ध करके कमलगट्टे की माला रखनी चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं स्फटिक की माला, तो आपको स्फटिक की माला सिद्ध जब करनी चाहिए। 1.25 लाख जब से सिद्ध करके माला रखें, लेकिन ध्यान रखें सस्ते के चक्कर में आप कांच की माला ना उठा करके ले आएँ, क्योंकि अगर कांच की माला होगी तो ये आपके राहू को बढ़ावा देगा और उल्टा लक्ष्मी माता का नुकसान आपके घर से कर सकता है। इसलिए नहीं ले सकते आप कहीं से भी स्फटिक, अगर नहीं जानते कहाँ मिलती है कैसे होता है तो आप मत लीजिए, आप कमलगट्टे की माला से जप कीजिए। 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करके कमलगट्टे की माला रखिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी नहीं होता है, ये भी अवेलेबल नहीं होती है, तो मिश्री के दाने 108 काउंट कर लीजिए, एक डब्बी में रख लीजिए, पुड़िया बना के रख लीजिए, उससे मंत्र जप कीजिए और बाद में उसे आप प्रसाद के तौर पे चाय या दूध में डालकर पी सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी माँ की पूजन करके शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको कमलगट्टे के बीज की माला से या स्फटिक की माला या मिश्री के दानों से ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मे नमः ओम श्रीम रिम क्लिम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आप माँ से प्रार्थना करें, माँ का मंत्र का जप करें। 108 मंत्र का जप कम से कम करना है। जो लोग भी माँ की प्रार्थना करना चाहते हैं वो बोले, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही देवी परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, और साथ साथ कुबेर जी का कौन सा मंत्र बोलेंगे, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि मे देही देही द्वापय द्वापय स्वाहा, इस प्रकार से आपको कुबेर देवता का मंत्र बोलना चाहिए। जो इस रात्रि में राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो बोलेंगे श्रीम रिम क्लिम राधा सर्वेश्वर शरणम ममः, इस प्रकार से बोले चंद्र देवता के लिए ओम चंद्रमसे नमः, इंद्र देवता के लिए ओम महेंद्राय नमः, और इस प्रकार से सबका पूजन करके आप कपूर में कपूर की आरती करें। तो जब आरती करेंगे तो कपूर में आपको विशेष चीज़ डालनी है, आप जो साबुत मूंग होती है हरी वाली वो आपको लेना है, और 11 मूंग साबुत आपको गिन करके ले लेना है और इस कपूर में आपको डाल करके जलाना है और आरती करनी है। और इसके बाद में जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो त्रिदेवी पर जो चढ़ा हुआ चंदन का लेप है अगले दिन आपको उतार लेना है, और या फिर आपने उनके सामने अगर छोटी सी मूर्ति आपने चढ़ाया नहीं है तो वहीं उनके सामने कटोरी में रख दीजिए, अगले दिन इसे फेस पैक के रूप में पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिए, या कम से कम इसका तिलक लगाइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे थोड़ा सा लेकर के जाना है और स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक को मंगल भावना और सुख सौभाग्य का द्योतक माना गया है, और पौराणिक कथाओं में तो इसे सूर्य और विष्णु भगवान का प्रतीक भी माना गया है। और स्वास्तिक का निशान इस दिन आपको अवश्य बनाना चाहिए। किस दिन बनाएंगे, शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूजा करेंगे उसके अगले दिन सुबह आपको बनाना है। घर के मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल गुलाब जल या फिर आप गौमूत्र आदि का छिड़काव कर सकते हैं, या सादे पानी से अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए, और उसके बाद दोनों साइड में आपको ये स्वस्तिक का चिन्ह जो पूजा का चंदन रहेगा उससे बनाना है, या फिर आप शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, इससे भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और भी बहुत सारे शुभ चिन्ह बताए गए हैं, आप वो लिख सकते हैं, वो बना सकते हैं। जैसे आप अगर पंजाबी हैं तो, या फिर देवी माँ को मानते तो त्रिशूल बना सकते, पंजाबी हैं तो आप अपना अपना चिन्ह बना सकते हैं, ओम वगैरह लिख सकते हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो भी आप अपना जो लकी नंबर होता है 786 वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें आप लिखें, कोई भी शुभ चिन्ह बनाइए इस चंदन से जो घर से सभी परेशानियों को आपके दूर करेगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके घर में उसको प्रवेश नहीं करने देगा, आपके घर का कवच का काम करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से अट्रैक्ट करेगा। आप चाहेंगे तो अगर माता लक्ष्मी की पूजा आप नहीं कर रहे हैं, लेट सपोज आपके घर पे नहीं है ऐसी व्यवस्था, आप नहीं करना चाहते हैं या अब्रॉड आदि में रहते हैं, तो क्या करेंगे, चंदन को लेकर के घोल करके आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए रात भर, और अगले दिन घर की दहलीज को सुबह साफ सुथरा कर लीजिए और इसके बाद स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए।
दोस्तों स्वस्तिक बनाने से ये मूल ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है और मध्य भाग को विष्णु भगवान की नाभि और चारों रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। स्वयं श्री गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए हमेशा ऐसे भी आपको आड़े दिन भी अपने घर पे बना के रखना चाहिए मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह। अगर आप नहीं बनाए तो अभी बनाइए, शरद पूर्णिमा के बाद का दिन आपको खाली नहीं जाने देना। और बाय चांस आपके पास चंदन नहीं है तो क्या करेंगे, हल्दी रख लीजिए, हल्दी से कीजिए ये कार्य दोस्तों। और फिर देखिए आपको सात जगह स्वस्तिक बनाने हैं इस चंदन से। पहला स्वस्तिक कहाँ बनाएंगे, घर के मुख्य द्वार पर। दूसरा स्वस्तिक आपको बनाना है घर के पूजा स्थल पर। पूजा स्थल आप चाहें तो मंदिर के बीचों बीच, अगर बड़ी जगह हो तो ज़मीन पर आप स्वस्तिक बनाइए, ये बहुत अच्छा होगा। तीसरा स्वस्तिक आपको बनाना है घर की तिजोरी में, या जहाँ पर भी आप धन रखते हैं उस अलमारी में आप रख सकते हैं, या कोई कैश बॉक्स है तो उस पर बना लीजिए, या आपकी कोई दुकान है, कोई गल्ला है तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। चौथा स्वस्तिक आपको घर की दक्षिण दिशा में बनाना है। अगर आपके पास घर में आंगन है तो घर के आंगन में पितृ का निवास माना गया है तो वहाँ पर आप बना सकते हैं स्वस्तिक चिन्ह से। और नहीं, कैसे बनाएंगे, घर के बीचों बीच आंगन में पहले गोबर लीप लीजिए, उसके ऊपर आप ये स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, और नहीं तो दक्षिण दिशा में बनाइए। इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। हमेशा कुछ लोग मैं देखती हूँ अलग अलग तरीका अपने हिसाब से निजात करके बताते हैं, ऐसा नहीं, हमेशा घड़ी की दिशा के अनुसार बनाएं। जैसे घड़ी की सुई का कांटा घूमता है इसी तरह से स्वस्तिक आपका घूमते हुए बनना चाहिए। स्वस्तिक का मुख कैसा होना चाहिए, हमेशा उत्तर की होना चाहिए। उत्तर क्या है, धन के देवता कुबेर की दिशा मानी गई है, इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। और जो लोग भी स्वस्तिक का बॉर्डर बना लेते बाद में बीचों बीच के जो कोन होते हैं उसको खाली छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, उसमें चार बिंदी अवश्य बनाएं। ये जहाँ एक ओर आपके घर में सुख समृद्धि को लाता है, अगर गलत तरीके से आप इसको बना लेते हैं तो ये परेशानी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ घर में दरिद्रता भी लेकर के आता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें, कभी भी उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाएं। मैंने बहुत जगह देखा है उल्टा स्वस्तिक बना देते हैं, कई जगहों पर मंदिरों में उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। कब मनाया जाता है, वो कोई मनोकामना वो करते हैं तो उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब सीधी स्वस्तिक बनाया जाता है। टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं बनाएं, सीधा और साफ बनाएं। और अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति से कर रहे हैं तो अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो आपकी मनोकामना भी टेढ़ी मेढ़ी रह जाएगी, इसलिए हमेशा सीधा स्वस्तिक बनाइए। और जहाँ पर भी स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे वो जगह साफ़ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पे गंदे संदे हाथ लगे हैं या कुछ है तो पहले थोड़ी सी अपने तुलसी के गमले से मिट्टी ले लीजिए और थोड़ा सा चौका वहाँ पे बना दीजिए, या फिर कोई पेपर चिपका दीजिए उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक आपको बनाना है अपने घर के जो किचन है, किचन के गेट पर बना सकते हैं, या अपने जो किचन की गैस है उसके ऊपर आप बनाइए। पाँचवा स्वस्तिक आपको बनाना है घर की बालकनी में, जहाँ पर तुलसी का पौधा रखा है। तुलसी के पौधे में, अगर बाय चांस तुलसी का पौधा नहीं तो केले के पौधे में, शमी के पौधे में आप बना सकते हैं। और सातवां स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है, एक पेपर पर बनाना है। कोई भी आप पेपर ले लीजिए और उसे आप उसमें अपनी मनोकामना लिख दीजिए और उसके ऊपर फिर स्वस्तिक बना के उसे लपेट करके आप जो भी आपके देवी देवता की मूर्ति या फोटो इसके पीछे रख दीजिए। जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए इस स्वस्तिक को आपको विसर्जित कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की रात है, बहुत ही खूबसूरत रात है, और कुछ करें ना करें इस रात्रि में जुगल गीत गाएं, आप गोपी गीत सुने इस रात्रि में, कुछ करें ना करें थोड़ी सी खीर बना लीजिए और परिवार के साथ बैठ करके आप चंद्रमा की रोशनी में आधा घंटा ही सही टहलिए, पार्टी जैसा कीजिए और सभी के साथ इस खीर को खाएं। कुछ लोग समय पूछ रहे हैं खीर रखने के लिए, तो आपको मैं बता दूं खीर पूरी रात रखनी चाहिए बाहर में, आपको सुबह 4 बजे तक रखने का नियम होता है। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो कम से कम आधी घंटे के लिए आप चंद्र उदय के बाद, जब चंद्रमा ऊपर आ जाए तो करीब करीब 10:30 के बाद आप खीर को रखिए, कम से कम 12 बजे तक, इसके बाद उसे प्रसाद के तौर पर लीजिए। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। और ये भी नहीं कर सके तो रावण हो जाइए। कैसे होंगे रावण, रावण उसके संस्कारों से नहीं होना है, रावण की तरह किस गंदे संस्कार नहीं लेने हैं आपको, राम जी बनना है। लेकिन रावण क्या करता था, बुद्धिमान होने के लिए अपनी नाभि पर रोशनी लेता था मिरर के द्वारा, छोटे से कांच के द्वारा वो त्राटक करके
रोशनी जो चंद्रमा की रोशनी होती थी उसे अपनी नाभि पर लेता था, जिसकी वजह से वो इतना इंटेलिजेंट था। तो खुद भी लेटिए, आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी अपनी नाभि पे लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर घूमिए चंद्रमा की रोशनी में, 5-10 मिनट आधी घंटा घूमिए, और बच्चों को त्राटक करवाइए। त्राटक कैसे करेंगे, चंद्रमा का एकटक होकर के चंद्रमा को देखना त्राटक कहलाता है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे वैसे इस प्रकार से आप बच्चों को त्राटक कराइए, या सुई में धागा पिरोइए, जैसे आपको बचपन के दिन याद होंगे, मुझे पक्का विश्वास है आपके भी पेरेंट्स ने कराया होगा, हमारे पेरेंट्स ने तो कराए थे, तो आप भी कीजिए और बच्चों को भी कराइए। और फिर देखिए दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा बहुत स्पेशल दिन होता है, बहुत ही यादगार वाला दिन होता है। स्पेशली शरद पूर्णिमा की खीर बहुत औषधि लिए होती है, तो इसे अवश्य लीजिए। आप देखिए बहुत सारी जड़ से रोग दूर होने वाले हैं, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर धन वर्षा करने वाली है। रात भर जाग कर माँ देखने वाली है कौन जाग रहा है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, और जय लक्ष्मी मैया की, जय विष्णु भगवान की।